आज मैं बनाऊंगी बच्चों और बड़ों की मोस्ट फेवरेट डिश कढ़ी पकोड़े, जो बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी बनती है। तो सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लें। इसके लिए हमें चाहिए 150 ग्राम बेसन, 1 केजी दही, 2 अदद मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज, 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, 2 अदद टमाटर का पेस्ट, 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून रेड मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1/2 टेबलस्पून खुश्क मेथी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रियाज किचन। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम दही और बेसन को ग्राइंड करके एक अच्छा सा मिक्सचर रेडी कर लेते हैं। ये मिक्सचर आप दूसरे बर्तन में हाथ के साथ भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंड करने का मकसद ये है कि किसी किस्म की कोई गुठली बाकी ना रहे और नरम और मुलायम पेस्ट रेडी हो जाए। यहाँ पर दही ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 कप पानी का डाल देते हैं और अब इसको करते हैं ग्राइंड। ये लें जी, ज़बरदस्त मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब आते हैं कढ़ी पकाने की तरफ। तो 1.5 कप ऑयल का लिया है, इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज का हमने डार्क गोल्डन कलर करना है क्योंकि इससे कढ़ी का कलर अच्छा आता है। जब डार्क गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें ग्रीन चिल्ली और जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और फिर 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। कड़ी में रेड मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें, इससे लुक बहुत प्यारी आती है। जब सारी चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तो फिर हम सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। कड़ी बनाते हुए बेसन का किरदार बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी कड़ी बनाएं तो बेसन किसी अच्छी शॉप से बाय किया करें। अगर बेसन अच्छा होगा तो ही कड़ी का टेस्ट अच्छा आएगा। और इसमें मेथी का इस्तेमाल भी ज़रूर किया करें, बहुत ही कमाल का फ्लेवर आता है। देखें जी, हमारा मसाला रेडी हो चुका है। जब ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अगर दही और बेसन के मिक्सचर को ऐसे ही डाल दिया जाए तो वो सारा ऑयल सोक कर लेंगे और लुक अच्छी नहीं आएगी। जब कड़ी अच्छी तरह रेडी हो जाएगी तो फिर हम ये ऑयल उसके ऊपर दोबारा डाल देंगे, इससे कड़ी की लुक बहुत प्यारी आती है। यहाँ मैंने ऑयल को निकाल लिया है और ये मिक्सचर सारा हम इसमें डाल देंगे। अब इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसमें तकरीबन 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मिक्सचर बहुत गाढ़ा है और अभी कड़ी ने पकना है, इसलिए 1.5 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे और फ्लेम को मीडियम करेंगे। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे और इसी तरह बगैर कवर किए आधे घंटे तक पकाएंगे। तब तक हम पकोड़े रेडी कर लेते हैं। पकोड़ों की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ आपको नहीं बताया। पकोड़ों की रेसिपी भी बहुत यूनिक और कमाल की है, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा। पकोड़े रेडी करते हुए फ्लेम को मीडियम रखा करें, हाई फ्लेम पर पकोड़े रेडी ना किया करें क्योंकि इस तरह जल जाते हैं। हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब आते हैं हम कढ़ी की तरफ। कढ़ी को पकते हुए भी आधा घंटा हो चुका है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त कढ़ी रेडी हो चुकी है, कलर भी बहुत अच्छा है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड कर देंगे। कढ़ी गार्निश किए बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब हम इसको गार्निश करने के लिए जो घी हमने पहले निकाला था वो इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह आपने सारा घी इसके ऊपर डाल देना है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है।
अब ये हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पीसा हुआ ऐड करेंगे और इसके ऊपर सब्ज़ धनिया। बहुत प्यारी खुशबू और ज़बरदस्त लुक है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।